हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं पात्रा। उसके लिए पहले हमने पात्रा के पान को अच्छे से वॉश करके उसको साफ कर लिया है। फिर हम उसका हार्ड पार्ट सेपरेट करके सब पान को साइड में रख लेंगे। अब हम बैटर रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमने एक बाउल में 3 कटोरी बेसन लिया है। उसमें हम स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे, जिसके लिए हमने 50 ग्राम इमली में 1 गिलास पानी और 3 चम्मच गुड़ डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। फिर उसको छान के उसका पल्प रेडी कर लिया था। 3 कटोरी बेसन में हम 2 कटोरी इमली का पल्प ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी। फिर हम पात्रा के पान लेंगे और उस पे हमने तैयार किया हुआ बैटर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके ऊपर हम दूसरा पान रख के उसको कवर कर लेंगे। हमारा बैटर दूसरे पान पर भी लगा देंगे। बाद में हम उसका अच्छे से रोल बना देंगे। सभी पान का रोल बना के हम उसको स्टीम कर लेंगे। हम इसको इडली के कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं या फिर बड़े बर्तन में छन्नी रखकर उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। रोल्स को हम आधे घंटे तक स्टीम कर लेंगे। जब हमारे रोल्स थोड़े ठंडे हो जाए तब हम उसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। पात्रा में तड़का लगाने के लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ी राई, जीरा और तिल ऐड कर लेंगे। फिर हमारे तैयार किए हुए पात्रा उसमें ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम उसमें 2 चम्मच शुगर और थोड़ा सा धनिया ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम उसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो बनके रेडी है हमारा पात्रा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।